गुड डे टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट स्टूडेंट टुडे आई शैल टीच यू क्लास 9th हिस्ट्री लेसन 2nd. नेम ऑफ द लेसन इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन एंड इट्स अ पार्ट 7th ऑफ दिस लेसन. स्टूडेंट पार्ट 7 स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड आवर हेडिंग इज व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर. अक्टूबर के बाद में क्या बदलाव आए रशिया में. द बोल्शेविक्स वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. और स्टूडेंट जो बोल्शेविक थे ये तो वो तो बिल्कुल अपोज थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के, कि कुछ लोग इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है. मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917. और 1917 नवंबर में क्या हुआ, बहुत सारे इंडस्ट्री और बैंक जो थे वो नेशनलाइज हो गए. दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. इसका मतलब ये था जो सरकार थी उन्होंने जो है ओनरशिप और मैनेजमेंट को अपने हाथ में ले लिया. लैंड वॉज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी. और जमीन थी उसको जो है सोशल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया. और पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ नोबल्टी. और पीजेंट्स को बोल दिया गया कि जो नोबल लोग हैं उनकी जो जमीन है उन पर कब्जा कर लो. इन सिटीज बोल्शेविक एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट. और जो सिटीज़ में शहरों में बोल्शेविक ने जो है लोगों को बोल दिया कि एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउस, जो बड़े बड़े घर हैं उनमें पार्टीशन बना लो अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट. जिस परिवार को जितनी ज़रूरत है उतना घर ले लीजिए, बाकी दूसरे को दे दीजिए. जो बड़ा घर है वो बांट के ले लो. दे बैंड द यूज़ ऑफ द ओल्ड टाइटल ऑफ रेस्टोक्रेसी. और उन्होंने जो पुराना टाइटल था रेस्टोक्रेसी का उसको भी बैन कर दिया. टू असर्ट द चेंज न्यू यूनिफॉर्म्स फॉर डिज़ाइन. और जो है उन्होंने एक नई यूनिफॉर्म भी डिज़ाइन की आर्मी के लिए और जो ऑफिसर्स थे उनके लिए. फॉलोविंग एक क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज. और 1918 में क्या हुआ स्टूडेंट, एक क्लोथिंग कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया गया. व्हेन द सोवियत हेड बुडियनोव का वाज चूजन. और ये जो रशिया का वर्ड है तो स्टूडेंट जो सोवियत हेड जो है वो चुने गए. तो हमने यहाँ स्टूडेंट इसमें क्या देखा कि अक्टूबर के बाद में क्या बदलाव आए, कि एक तो बोल्शेविक पार्टी जो बोल्शेविक जो थे वो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे. इंडस्ट्री और बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया. और गवर्नमेंट ने जो है ओनरशिप पे कंट्रोल कर लिया, मैनेजमेंट पे कंट्रोल कर दिया. और ज़मीन को जो है डिक्लेयर कर दिया सोशल प्रॉपर्टी. किसानों को बोल दिया कब्जा कर लो नोबल की ज़मीनों पर. और जो बोल्शेविक थे उन्होंने कहा कि पार्टीशन कर लो, जो बड़े बड़े घर हैं फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पार्टीशन करके उनमें रह लो. और उन्होंने बैन कर दिया जो टाइटल एरिस्टोक्रेसी का था. और उन्होंने जो है यूनिफॉर्म डिज़ाइन की जो आर्मी में थे और जो ऑफिसर लोग थे उनके लिए. और फिर उन्होंने जो क्लोथ कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया 1918 में. और व्हेन द सोवियत हेड जो है वो भी उन्होंने चुनी. द बोल्शेविक पार्टी वॉज री नेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. और जो बोल्शेविक पार्टी थी स्टूडेंट उन्होंने अपना नाम बदल दिया और उन्होंने अपना जो पार्टी का नाम रख दिया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जो बोल्शेविक थे. इन नवंबर 1917 और 1917 नवंबर में क्या हुआ स्टूडेंट, बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. और 1917 में बोल्शेविक ने जो है इलेक्शन शुरू किए, इलेक्शन कंडक्ट किए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए. बट दे फेल टू गेन मेजोरिटी सपोर्ट. कहते उन्होंने बोल्शेविक ने इलेक्शन तो कंडक्ट किए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए स्टूडेंट्स में. तो जनवरी 1918 में क्या हुआ, ये तो नवंबर 1917 की बात है. पहले तो उन्होंने बोल्शेविक पार्टी ने अपना कम जो है पार्टी का नाम ही बदल दिया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया. फिर 1917 में क्या हुआ, इलेक्शन किए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए लेकिन उन्हें जो है मेजोरिटी नहीं मिली, उन्हें सपोर्ट नहीं मिली, वो कामयाब नहीं हुए. तो जनवरी 1918 में क्या हुआ स्टूडेंट, द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक. जो असेंबली थी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया बोल्शेविक को. जो असेंबली थे, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उन्होंने बोल्शेविक को रिजेक्ट कर दिया, बोल्शेविक मेजर को. एंड लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली. और असेंबली ने जो है बोल्शेविक को जो है रिजेक्ट कर दिया और लेनिन ने जो है असेंबली को डिसमिस कर दिया. ही थॉट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वॉज मोर डेमोक्रेटिक देन द असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टन कंडीशन. और उसने क्या बोला, लेनिन जो था उसने असेंबली को जो है डिसमिस कर दिया. और उसने ये सोचा कि जितने रशियन कांग्रेस हैं सोवियत के वो तो डेमोक्रेटिक हैं और जो असेंबली जो इलेक्टेड की गई है वो उसमें जो अनसर्टन कंडीशन है वो डेमोक्रेटिक नहीं है. इन मार्च 1918 और मार्च 1918 में क्या हुआ, डिस्पाइट ओपोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल एलिस. और मार्च 1918 में क्या हुआ स्टूडेंट, जो ओपोजिशन जो पॉलिटिकल एलिस थी दूसरी पार्टीज थी वो ओपोजिट थी. द बोल्शेविक मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटवस्क. तो बोल्शेविक ने क्या किया स्टूडेंट, जो बोल्शेविक पार्टी थी उन्होंने जो है जर्मनी के साथ जो है पीस जो है
संधि कर ली एट ब्रेस्ट-लुट्ज़बर्ग में। इन द ईयर दैट फॉलो, और जो आने वाले अगले साल थे, बोल्शेविक बिकेन द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू ऑल द रशियन कांग्रेस सोवियत। तो मार्च 1918 में क्या हुआ, स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो बोल्शेविक के अगेंस्ट में थी, तो बोल्शेविक ने क्या किया, जर्मनी के साथ जो है शांति का रिलेशन बना लिया, पीस रिलेशन बना लिया एट ब्रेस्ट-लुट्ज़बर्ग में। और आने वाले सालों में क्या हुआ, जो बोल्शेविक थी उन्होंने, जो बोल्शेविक जो है एक क्या कौन बन गई थी, ओनली पार्टी, एक सिर्फ यही पार्टी थी, ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू ऑल द रशियन कांग्रेस सोवियत। जो ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत, कांग्रेस ऑफ सोवियत थे, इसमें जो है इसने पार्टिसिपेट किया था बोल्शेविक ने, विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। और बाद में क्या हुआ, ये जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में बोल्शेविक ने पार्टिसिपेट किया था, और उसके बाद ये जो है पूरे देश के लिए जो पार्लियामेंट घोषित हो गई थी, रशिया बिकेम ए वन पार्टी स्टेट, और रशिया जो है एक पार्टी स्टेट बन गया, क्योंकि बोल्शेविक जो था, बोल्शेविक जो है पार्लियामेंट बन गया था कंट्री का, और रशिया जो है एक वन पार्टी स्टेट था। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, अब जो ट्रेड यूनियन थे वो भी इनके अंडर में काम करते थे। द सीक्रेट पुलिस जो थी, जो वहाँ उनकी सीक्रेट पुलिस थी, उनको क्या बोला जाता था, कॉल्ड द चेका फर्स्ट बोला जाता था, एंड लेटर OGPU बोला जाने लगा, फिर उनको NKVD नाम दिया गया। पनिश दो वो क्रिटिसाइज द बोल्शेविक, और उनको पनिश किया जाता था जो जो बोल्शेविक को क्रिटिसाइज करते थे। तो स्टूडेंट इसमें हमने क्या पढ़ा कि इन द ईयर जो आने वाले साल थे, बोल्शेविक जो है बोल्शेविक ने पार्टिसिपेट किया था ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में, और ये जो पार्लियामेंट बन गई थी देश के लिए, और ये एक पार्टी स्टेट थी, और ट्रेड यूनियन इसी के अंडर में काम करती थी, और इनका जो है इनकी सीक्रेट जो पुलिस थी उनको जो इन्होंने नाम दिया था, चेका फर्स्ट दिया, फिर बाद में जो है लेटर बाद में OGPU नाम रख दिया, NKVD कर दिया, और ये उनको पनिश करते थे अगर कोई बोल्शेविक को जो है उनको क्रिटिसाइज करता था, उनकी कोई आलोचना करता था तो उसको सजा दी जाती थी। मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैली टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज, कहते बहुत सारे राइटर्स जो थे और आर्टिस्ट थे, उन्होंने रैली की इस पार्टी के लिए, क्योंकि ये पार्टी जो है इसलिए थी सोशलिज्म के लिए, बदलाव के लिए। और आफ्टर अक्टूबर 1917 अक्टूबर के बाद में क्या हुआ स्टूडेंट, दिस लेड टू द एक्सपेरिमेंट इन द आर्ट्स, और ये एक्सपेरिमेंट आर्ट में देखा गया, आर्किटेक्चर में देखा गया। तो ये जो बदलाव था, जो सोशलिज्म था, जो समाजवाद था, ये राइटर में दिखा, आर्टिस्ट में दिखा, आर्ट्स में दिखा, आर्किटेक्चर में दिखा। बट मैनी बिकेम डिसोल्यूशन, परंतु बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिनको जो डिसोल्यूशन था बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप ऑफ द पार्टी एनकरेज्ड, कहते बट मैनी बिकेम डिसोल्यूशन, परंतु बहुत सारे लोगों का तो भ्रम दूर हो चुका था बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप ऑफ द पार्टी, क्योंकि पार्टी ने कंट्रोल कर दिया था, पार्टी ने इनकरेज किया था और पार्टी ने कंट्रोल कर दिया था, इसलिए बहुत सारे लोगों का जो भ्रम है वो दूर हो चुका था। स्टूडेंट और नेक्स्ट हेडिंग इज द सिविल वार। व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर्ड लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन द रशियन आर्मी बिगिन टू ब्रेक अप, और कहते जब बोल्शेविक ने ये ऑर्डर दिया कि लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर लो, लैंड जो है रीडिस्ट्रीब्यूट कर लो, आपस में जो है सब बांट लो, और जहाँ ज़्यादा जगह है उसको बोला कि अपने हिसाब से जो है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली रीडिस्ट्रीब्यूट द लैंड, तो उन्होंने ये बोला कि जितना जिसको चाहिए, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से जो है लैंड को उसको कंट्रोल कर लो। द रशियन आर्मी बिगिन टू ब्रेकअप, तो जो रशियन आर्मी थी स्टूडेंट वहाँ पे ब्रेकअप हो गया, वहाँ से लोग जो है सोल्जर जो भाग के आने लगे, सोल्जर्स मोस्टली पीजेंट्स, सोल्जर्स जो थे किसान जो थे, सोल्जर जो सैनिक जो थे वो ज़्यादातर किसान थे, विश टू गो होम, तो उन्होंने ये कहा कि वो उनकी ये इच्छा थी कि वो घर जाएंगे फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजर्टेड, और उन्होंने कहा कि वो घर जाएंगे और अपने जो ज़मीन को जो है वो लेंगे अपने लिए, उसको ज़मीन को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो है घर जाएंगे। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंटेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग, और स्टूडेंट जो नॉन बोल्शेविक थे, जो बोल्शेविक नहीं थे, जो लिबरल थे या ऑटोक्रेसी के सपोर्टर थे, उन्होंने इसकी निंदा की, उन्होंने बोल्शेविक अपराइजिंग की जो है उन्होंने निंदा की, क्योंकि जो बोल्शेविक ने कदम उठाया उससे क्या हुआ, सैनिक भी जो है आर्मी से जो है वहाँ से आने लगे अपने घरों की तरफ छोड़ छोड़ के, क्योंकि उनको जो है उनको ये था कि उन्होंने अपने घर के लिए जो ज़मीन देखनी थी अपने परिवारों के लिए। सो देयर लीडर्स मूव टू साउथ रशिया, तो क्या हुआ जो उनके लीडर्स थे वो साउथ रशिया चले गए, और वहाँ पे जो क्या किया उन्होंने, साउथ रशिया चले गए, ऑर्गेनाइज ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शेविक, और उन्होंने जो अपनी सेना जो है ऑर्गेनाइज कर ली कि वो बोल्शेविक के साथ जो है झगड़ा करेंगे। कौन स्टूडेंट, जो नॉन बोल्शेविक थे,
जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, जो लिबरल थे, सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी थे, इन्होंने जो है बोल्शेविक अप्राइजिंग की जो है निंदा किया, और ये साउथ रशिया में चले गए और वहाँ जाके इन्होंने अपनी सेना बनाई। फिर उन्होंने कहा अब हम बोल्शेविक के साथ जो है लड़ेंगे, और बोल्शेविक्स को इंडिकेट किया द रेड कलर से। ड्यूरिंग 1918 और 1919 के दौरान क्या हुआ स्टूडेंट, द ग्रीन्स सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, और जो हरे रंग जो था उनका कलर सोशलिस्ट जो रेवोल्यूशनरी थे, और वाइट जो थे प्रो जारिस्ट थे, तो इनका कलर है बोल्शेविक का रेड कलर है और ग्रीन है सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी का और वाइट है जारिस्ट का, कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, इन्होंने जो है रशियन एम्पायर को कंट्रोल कर लिया स्टूडेंट। किन्होंने किया, रेड ग्रीन और वाइट, रेड ग्रीन और वाइट जो थे इन्होंने रशियन एम्पायर को कंट्रोल कर लिया, बोल्शेविक ने, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी ने और प्रो ज़ारिस्ट ने, इन्होंने जो रशिया एम्पायर पे कंट्रोल कर लिया। देवर बैक्ड बाय फ्रेंच, और फिर वो वापस कैसे आए, बाय फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश एंड जैपनीज ट्रूप्स, वो अपने जो है सेना के साथ फ्रेंच ट्रूप से अमेरिकन ट्रूप और ब्रिटिश और जैपनीज ट्रूप उनके साथ जो है वापस आए। ऑल दोज फोर्सेज हु वर वरिड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया, और ये सभी क्या थे जो फ्रेंच अमेरिका ब्रिटिश और जापनीज ट्रूप थे, ये सारे वरिड थे। किस लिए वरिड थे, क्योंकि सोशलिज्म था रशिया में। एज दिस ट्रूप्स एंड बोल्शेविक्स फाउट ए सिविल वार, फिर क्या हुआ स्टूडेंट, सिविल वार शुरू हो गया, अवर हेडिंग इज ऑल्सो सिविल वार, तो इनमें युद्ध शुरू हो गया जो फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश जापनीज जो थे और जो रशिया थे, सोशलिज्म इन रशिया था इसलिए जो है वहाँ पर जो है युद्ध हो गया। एज दिस ट्रूप्स एंड बोल्शेविक्स फाउट ए सिविल वार, तो उन ट्रूप्स में और बोल्शेविक में जो है युद्ध छिड़ गया, और युद्ध से क्या हुआ, लूटना शुरू कर दिया, बैंडिट्री डकैती डालनी शुरू कर दी उन्होंने, डाका डालना शुरू कर दिया, फेमाइन बिकेम कॉमन, और क्या हुआ, और जो है अकाल पड़ गया वहाँ पे। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट्स टुक हार्ड स्टेप्स विद पीजेंट्स हु हैड सीज्ड लैंड, और सपोर्टर्स ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टीज, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर्स थे वाइट में, वाइट में आपको बताया स्टूडेंट यहाँ थे वाइट, ये वो जो प्रो ज़ारिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, बहुत कठोर कदम उठाए किसानों के साथ और उनसे जो ज़मीन थी वो कब्जा कर लिया। सच एक्शन लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर नॉन बोल्शेविक, और ऐसे एक्शन जो है ना लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर नॉन बोल्शेविक के लिए जो है ये एक्शन जो है थे उनकी पॉपुलरिटी ख़त्म हो गई थी बाई जनवरी 1920, और 1920 जनवरी में क्या हुआ, द बोल्शेविक कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। जनवरी 1920 में क्या हुआ, जो बोल्शेविक थे उन्होंने कंट्रोल कर दिया था फॉर्मर रशियन एम्पायर में, 1920 तक बोल्शेविक का जो है कंट्रोल हो गया था रशियन एम्पायर पर, और दे सक्सीडेड, वो कामयाब भी हुए, दे सक्सीडेड ड्यू टू कोऑपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जर्नलिस्ट, और स्टूडेंट जो बोल्शेविक थे ना वो किस क्यों कामयाब हुए, क्योंकि जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे, जो मुस्लिम जर्नलिस्ट थे, जो मुस्लिम रिफॉर्मर थे, उन्होंने साथ दिया था इसलिए कामयाब हो गए। कॉपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनिस्ट देमसेल्फ टर्न्ड बोल्शेविक, और कॉपरेशन वहाँ पे काम नहीं हुई, कॉपरेशन का वहाँ साथ नहीं हुआ, वहाँ वर्क नहीं हुआ कॉपरेशन का, जहाँ पे जो रशियन कॉलोनिस्ट थे, जो रशिया के कॉलोनिस्ट थे, उन्होंने अपने आप को टर्न कर दिया बोल्शेविक, उन्होंने अपने आप को घोषित किया कि हम बोल्शेविक हैं, लेकिन वो बोल्शेविक थे ही नहीं। और इन खीवा इन सेंट्रल एशिया बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रूटली मैसेकर्ड लोकल नेशनलिस्ट, और खीवा में सेंट्रल एशिया में जब बोल्शेविक कॉलोनिस्ट थे जिन्होंने अपने आप को जानबूझ के बोल्शेविक बदल लिया था, उन्होंने क्या किया, निर्दयता की, ब्रूटली मसक्कड़ किया, हत्या की उन्होंने लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म, उन्होंने कहा कि हम सोशलिज्म को बचा रहे हैं, इस नाम पे जो है जो लोकल लोग थे उनको जो है हत्याएं करनी शुरू कर दी। इन दिस सिचुएशन मैनी वर कन्फ्यूज, और ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे लोग तो ये कन्फ्यूज़ हो गए कि व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड, कि ये बोल्शेविक गवर्नमेंट क्या कर रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बोल्शेविक पार्टी में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑपोजिट हैं और बोल्शेविक पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। पार्टली टू रेमेडी दिस मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनमी इन द सोवियत यूनियन USSR, द स्टेट द बोल्शेविक क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922। पार्टली टू रेमेडी दिस, और कहते हैं इसका क्या हुआ, इसके लिए जो है रेमेडी की कि इसमें जो है रिफॉर्म किए गए, सुधार किए गए, और क्या हुआ, जो बहुत सारे नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे उनको ये अधिकार दिया गया कि पॉलिटिकल अटॉनमी, कि वो अपने आप ही जो है पॉलिटिकल अटॉनमी होता है द राइट टू गवर्न देमसेल्फ, कि वो अपने आप ही अपने आप को गवर्न कर सकते हैं, अपने आप को दे सकते हैं।
और कहाँ पे, इन सोवियत यूनियन USSR, और कहते द स्टेट द बोल्शेविक क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर, कहते जो रशियन एम्पायर था 19 दिसंबर 1922 में रशिया एम्पायर में से जो है बोल्शेविक ने जो है एक स्टेट क्रिएट करी जिसको सोवियत यूनियन बोला जाने लगा, जिसको USSR का नाम दिया गया। बट सिंस दिस वॉज कम्बाइंड विद अनपॉपुलर पॉलिसी, परंतु ये जो थी कम्बाइंड थी क्योंकि कुछ अनपॉपुलर पॉलिसीज थी, दैट द बोल्शेविक फोर्स्ड द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो, और बोल्शेविक ने जो है ये लोकल गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो फॉलो करेगी पॉपुलर पॉलिसी, अनपॉपुलर पॉलिसीज को, लाइक द हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमेडिज्म। कहते हार्श डिस्करेजमेंट नोमेडिज्म, जो नोमेडिज्म वो थे जिनका लाइफस्टाइल क्या था स्टूडेंट, दोज हु डोंट लिव इन वन प्लेस। नोमेडिज्म वो लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते थे, उनका परमानेंट ठिकाना नहीं था कहीं भी रहने का, और जिनको कहते हैं कबीले वाले लोग हैं, उनको जो है उनके साथ हार्श डिस्करेजमेंट था, उनको जो है उत्साहित नहीं किया गया था। अटेम्प्ट्स टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिटीज वर ओनली पार्टली सक्सेसफुल, और ये कोशिशें की गई कि उनको जो जो डिफरेंट नेशनलिस्ट हैं उनको जो है उनके ऊपर जो जीत पाई गई, वर ओनली पार्टी सक्सेसफुल, तब ये जो पार्टी कामयाब हुई कि जो नोमेडिज्म थे जिनके साथ हार्श डिस्करेजमेंट था, जिनके साथ अच्छा बिहेव नहीं हुआ था, उनको जीतने की कोशिश की और तब जो है बोल्शेविक पार्टी को जो है कामयाबी मिली। सो स्टूडेंट आई हैव टॉट यू पार्ट 7 ऑफ दिस लेसन, रेस्ट ऑफ द थिंग आई शेल टेल यू इन द नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो। आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड, यू टेल इट टू अदर स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस लेसन, एंड स्टूडेंट्स स्टे सेफ, स्टे एट होम, ओबे योर पेरेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।